हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अपाने जुहति प्राणम् प्राणे पानम तथा परे प्राण पान गति रुद्वा प्राणयानम परायणः। प्राणायाम का उल्लेख गीता के अध्याय में भी मिलता है। अध्याय 4 और छंद 29 कहता है, योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली चटर्जी आपकी सारथी। श्रीमद् भगवद गीता में 3 मुख्य प्राणायाम का उल्लेख है। पूरक, ये फेफड़ों में सांस भरने की प्रक्रिया है। रेचक, सांस बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करने की प्रक्रिया। अंतर्य कुंभक, फेफड़ों और सांस भरने के पश्चात उसे भीतर रोकना। इसमें बाहर छोड़ी जाने वाली सांस को भीतर की सांस में स्थगन अवधि के दौरान पूर्णतया रोक दिया जाता है। बाह्य कुंभक, श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करना। इसमें अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास में स्थगित अवधि के दौरान पूर्णतया रोक दिया जाता है। गीता में कहा गया है कि प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगी श्वासों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का प्रयोग इंद्रियों पर अंकुश लगाने और मन को स्थिर करने के लिए करते हैं। तब फिर वे अपने संयमित मन को यज्ञ की आहुति के रूप में भगवान को अर्पित कर देते हैं। प्राण वास्तव में श्वास नहीं है, ये सूक्ष्म जीवनदायिनी शक्ति है जो कि श्वास और विभिन्न चेतन व अचेतन पदार्थों में प्राप्त होती है। श्वास हमारे जीवन की एक ऐसी डोर है जो थोड़ी भी कमजोर हो तो पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, मन विचलित हो जाता है और तरह तरह के भावों से भर जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी कहा है, इंद्रियों को श्वास के वश में किया जा सकता है और श्वास को वश में करने का रास्ता प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ है कि अपने प्राणों पे नियंत्रण पाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राणायाम की। सबसे पहले कंडीशनिंग। अपने चटाई पर किसी भी सुखदायक स्थिति में बैठ जाएं। हम कुछ समय के लिए सिर्फ आंखें बंद करके अपनी श्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि हमारा मन यहाँ वहाँ विचलित ना हो, पूरी तरह हमारे वश में आ जाए। गहरी सांस लेते हुए अपने सांस को नाभि तक अंदर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को खाली करने तक सांस बाहर छोड़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्राणायाम। समवृत्ति प्राणायाम, ये एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी योग तथा सांस लेने का व्यायाम है जिसका अभ्यास कोई भी लगभग किसी भी समय कर सकता है। सम का अर्थ है समान और वृत्ति का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव। इसलिए समवृत्ति प्राणायाम का अनुवाद समान मानसिक उतार चढ़ाव श्वास के रूप में किया जाता है। इस प्राणायाम अभ्यास का मुख्य लाभ शरीर की नाड़ियों व ऊर्जा चैनलों के माध्यम से प्रवाहित होने वाले प्राण को समान और संतुलित करना है। मानसिक तनाव और चिंता को कम करने के लिए, मन और शरीर को शांत और संतुलित करने के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। ये प्राणायाम फेफड़ों में हवा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए डायफ्राम का सचेत उपयोग कर गहरी सांस लेने और फेफड़ों में ऑक्सीजन लाने की आपकी क्षमता में सुधार करने का एक शानदार तरीका है। हृदय गति को धीमा करने,
मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ाने में भी मदद करता है। इस प्राणायाम को हर व्यक्ति कर सकता है। समृद्धि प्राणायाम करने की विधि। अपने हाथों के पिछले हिस्से को अपने पैरों पर रखें। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर में तनाव नहीं पकड़ रहे हैं और कंधों को आराम देने के लिए विशेष ध्यान दें। यदि आप फर्श पर सहज नहीं हैं, तो कुर्सी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि पैर फर्श पर सपाट हों और पीठ सीधी हो। आप अपनी पीठ के बल लेटकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मुंह बंद करके धीमी, सम और निरंतर प्रवाह में नाक के माध्यम से सांस लें और निकालें। एक डायफ्रामिक सांस का उपयोग करें ताकि पेट ऊपर उठे और छाती में बहुत कम या कोई हलचल ना हो। अपनी सांस को जितना हो सके धीमा और गहरा करें। यदि आप संघर्ष करना शुरू करते हैं तो सांस की लंबाई को संख्या में कम करें। 3 तक गिनती कर सांस लें और 3 तक गिनती कर सांस को बाहर रोकें। शुरुआत में बहुत जल्दी ना करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें। इस चक्र को केवल तब तक जारी रखें जब तक आप इसे आसानी से कर सकते हैं और सांस लेने के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कपालभाति। कपालभाति संस्कृत भाषा का शब्द है। कपाल का अर्थ है सर की हड्डी, भाति का अर्थ चमकने से है। कपालभाति को किसी भी आसन में बैठकर किया जा सकता है। इस आसन के अभ्यास के जरिए हिमालय में रहने वाले योगी वात और पित्त का संतुलन किया करते थे। ये प्राणायाम उनके शरीर को गर्म करने में भी मदद करता था। कपालभाति करने में क्या सावधानी बरती जाए? हृदय रोगियों को सांस धीमी गति से छोड़नी चाहिए। सुबह शाम खाली पेट कपालभाति का अभ्यास करें। यदि आप हर्निया, मिर्गी, स्लिप डिस्क, कमर दर्द अथवा स्टेंट के मरीज हैं तो ये कपालभाति ना करें। यदि आपकी कुछ समय पूर्व ही पेट की सर्जरी हुई है तो भी ये कपालभाति ना करें। महिलाओं को कपालभाति गर्भ अवस्था के दौरान अथवा उसके तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी कपालभाति नहीं करनी चाहिए। हाइपरटेंशन के मरीजों को कपालभाति किसी योग प्रशिक्षक के नेतृत्व में करना चाहिए। कपालभाति करने के फायदे। कपालभाति से शरीर में गर्मी पैदा होती है। ये टॉक्सिन्स और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। ये गुर्दे और लिवर की कार्य प्रणाली में सुधार करता है। ये आँखों से तनाव को दूर करता है और आँखों के नीचे काले घेरों को मिटाता है। ये रक्त संचालन और पाचन को सुधारता है। कपालभाति तेजी से वजन घटाने में मदद करता है। ये एसिडिटी और गैस से जुड़ी समस्याओं को खत्म करता है। कपालभाति करने की विधि। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों को आकाश की तरफ आराम से घुटनों पर रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। अपने पेट को इस प्रकार से अंदर खींचें कि वह रीढ़ की हड्डी को छू ले। जितना हो सके उतना ही करें। पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ने को आप अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। उतना ही बल लगाएं जितना सहजता से लग जाए। कपालभाति के एक क्रम को पूरा करने के लिए 20 सांस छोड़ें। एक क्रम खत्म होने के पश्चात विश्राम करें और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने शरीर में कपालभाति से प्रकट हुई उत्तेजना को महसूस करें। इस प्रक्रिया को 3 राउंड या 80 सांसों तक दोहराया जा सकता है। पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक और रेचक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। पूरक का अर्थ है श्वास लेना और रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना।
हम जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरक और रेचक क्रिया करते रहते हैं। श्वास लेने और छोड़ने के बीच हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं। इस रुकने की क्रिया को कुंभक कहा जाता है। जब श्वास लेकर हम अंदर रुकते हैं तो उसे आभ्यांतर कुंभक कहते हैं। जब बाहर रुकते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। अगर आप आस्थमा या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं तो भूल कर भी कुंभक प्राणायाम ना करें, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गर्भवती महिलाएं कुंभक प्राणायाम ना करें, वो सहजता पूर्वक रेचक और पूरक ही करें। कुंभक प्राणायाम के फायदे। नियमित कुंभक आपको मानसिक और शारीरिक रूप से सबल बनाता है। इसके अलावा कुंभक प्राणायाम से आपको ढेरों लाभ होते हैं। नियमित कुंभक के अभ्यास से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और सांस लेने से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ता। नियमित कुंभक अभ्यास करने से शारीरिक बल, ऊर्जा व क्षमता में वृद्धि होती है। कुंभक प्राणायाम करने से भुजाओं के बल में वृद्धि होती है और सीने का आकार चौड़ा होता है। अगर सही तरीके से कुंभक प्राणायाम किया जाए तो रक्तचाप संतुलित रहता है। उतना ही नहीं, नियमित कुंभक के अभ्यास से दीर्घायु प्राप्ति होती है। पूरक रेचक और कुंभक प्राणायाम की विधि। पद्मासन या सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें। ध्यान सांस पर केंद्रित करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। पूरक धीमी श्वास। फेफड़ों को पूरी तरह भरने के बाद कुछ समय के लिए सांस को अंदर रोक कर रखें, अर्थात अभ्यांतर कुंभक लगाकर रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। पूरी तरह से सांस छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए रेचक स्थिति में रहें। ये बाह्य कुंभक है। ध्यान रहे कि शुरुआत में कुंभक की आवृत्ति 1-2-1 होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि सांस लेने में 1 सेकेंड लगता है तो इसे 2 सेकेंड के लिए रोक कर रखें और 2 सेकेंड के लिए सांस छोड़ें। फिर धीरे धीरे 1-2-2, 1-3-2, 1-4-2 और फिर अभ्यास बढ़ने पर कुंभक की अवधि को और बढ़ाई जा सकती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम का अर्थ है प्राकृतिक प्रवाह और विलोम का अर्थ है प्राकृतिक प्रवाह के विरुद्ध। ये श्वास तकनीक बाएं और दाएं ऊर्जा चैनलों यानी कि नाड़ियों को संतुलित रखने के लिए उत्तेजित करती है। त्रिदोषों यानी कि 3 अशुद्धियों वात, पित्त और कफ पर संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये सबसे अच्छा प्राणायाम है। त्रिदोष के असंतुलन से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सबसे सरल श्वास तकनीक है। यदि आपको हृदय संबंधी गंभीर समस्याएं और उच्च रक्तचाप है तो आपको प्रशिक्षित और अनुभवी प्रशिक्षक के प्रत्यक्ष देखरेख में इसका अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लाभ। इसका नियमित अभ्यास ब्रोंकाइटिस, दमा, मधुमेह, वात रोग, पेट में गैस, माइग्रेन, गैस्ट्रिक समस्याएं, खर्राटे, रक्तचाप जैसे रोगों को ठीक करने में सहायक पाया गया है। तनाव को कम करता है। हमारी क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। यौन समस्याओं का समाधान करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करें? अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। आप पद्मासन या सुखासन पर बैठ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका बायां हाथ सीधा है और आपने अपनी हथेली को घुटनों पर रखा है और अपनी उंगलियों को ज्ञान की मुद्रा पर रखना चाहिए।
अब अपनी आंखें बंद करें, अपने दाहिने नथुने को दाहिने अंगूठों से बंद करें और एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली को तीसरे नेत्र पर रखें। फेफड़ों को भरने के लिए बाएं नथुने से थोड़ा सा बल लेकर सांस लें। अब अपनी बाएं नासिका को मध्यमा उंगली से बंद कर लें और अपने अंगूठे को दाईं नासिका से छोड़ें। दाईं नासिका से सांस छोड़ने और फिर उसी दाईं नासिका को थोड़ा बल लगाकर सांस लें। फिर से अपनी दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठों से बंद कर लें और बाएं नासिका से सांस छोड़ें। इस प्रकार से ये एक चक्र पूरा होता है। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। शुरुआत में 2:2 का रेशियो रखें, अर्थात अगर आप सांस लेने में 2 सेकेंड का समय लेते हैं तो 2 सेकेंड में सांस को बाहर भी करें। आप रेशियो को 2:4 में बदल सकते हैं। उदरीय श्वसन। उदरीय श्वसन प्राणायाम का अभिन्न हिस्सा है। उदरीय श्वसन, जिसे मध्यपटीय श्वसन या पेट श्वसन भी कहा जाता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गहरी सांस लेनी होती है ताकि आपके शरीर को ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति प्राप्त हो। उदरीय श्वसन को डायफ्रामिक श्वसन भी कहा जाता है। डायफ्रामिक श्वास एक प्रकार का श्वास व्यायाम है जो आपके डायफ्राम को मजबूत करने में मदद करता है। ये एक महत्वपूर्ण मांसपेशी जो आपको सांस लेने में मदद करती है, क्योंकि ये 80% श्वास का प्रतिनिधित्व करती है। इस श्वास लेने के व्यायाम को कभी कभी बेली ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। उदरीय श्वसन के लाभ, इसे सभी कर सकते हैं। रक्तचाप और हृदय गति को कम करता है, मांसपेशियों में तनाव कम करता है, रक्त ऑक्सीजन को बढ़ाता है, प्रेरणा और ऊर्जा को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, शरीर की विश्राम प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, तनाव की प्रतिक्रिया उलट जाती है। उदरीय श्वसन की विधि, अपनी पीठ के बल लेट जाएं और एक हाथ अपने ऊपरी छाती पर और दूसरा अपने पेट पर अपने रिब पिंजरे के ठीक नीचे रखें। अपनी नाक के माध्यम से धीरे धीरे सांस लें। हवा को अपने निचले पेट की ओर गहराई से जाने दें। आपकी छाती पर हाथ स्थिर रहेगा जबकि आपके पेट पर हाथ उठते हुए पेट के साथ ऊपर उठेगा। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर जाने दें। ऐसा एक क्रम में कम से कम 10 से 20 बार करें। शुरुआती दौर में आप 4 तक गिनते हुए सांस लें और 4 तक गिनते हुए सांस बाहर छोड़ें। समापन। कुछ समय के लिए अपनी सांस को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांस भरें। धीरे से अपने दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपने हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें।
स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।